देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है। सरकारी तेल कंपनियां लगातार ईंधनों के दामों में इजाफा कर रही हैं, जिसको लेकर देश भर के लोगों में आक्रोश है। वहीं अयोध्या में डीजल पेट्रोल में हो रही वृद्धि का हाल जानने के लिए संवाददाता विनय मिश्रा ने पेट्रोल पंप का जायजा लिया, जहां आम जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बेतहाशा वृद्धि से जो है आम जनता कितनी परेशान है, उसको जानने के लिए इस समय अयोध्या के पेट्रोल पंप पे हैं और आम जनता से बात करते हैं कि पेट्रोल की वृद्धि को लेकर के उनकी क्या राय है। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है? पंकज शर्मा। क्या कहेंगे पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं? पेट्रोल के दाम बारे में हम ये कहना चाहेंगे, जो हम लोग 500 रुपया 1000 का तेल डलाते थे, अब इस समय 1 लीटर 2 लीटर डला रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इसका अपना टैक्स कम करके, केंद्र सरकार के सरकार पे न थोपे, राज्य सरकार को चाहिए कि अपना टैक्स कम करके गरीबों किसानों के लिए पेट्रोल का दाम डीजल का दाम कम से कम होना चाहिए। बगल का देश नेपाल में है, हमने जो सुना है 50 से 60 रुपया तेल यहीं से जाता है वहाँ है, आज यहाँ 101 रुपया 34 पैसे लीटर तेल अभी हमने डलाया है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। रेट कम होना चाहिए, रेट बहुत कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि आम जनता का साफ तौर पे कहना है कि पेट्रोल की कीमत जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उसको लेकर के काफी दिक्कतें हो रही है। हमारे साथ दूसरे भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपने पेट्रोल डलाया, महंगाई लग रही है? जी हाँ, महंगाई बहुत लग रही है। क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? महंगाई को लेकर भारत सरकार से ये कहेंगे कि पेट्रोल को का दाम कम किया जाए, उसका टैक्स कम किया जाए, ताकि लोगों को जो सुविधा हो गाड़ी चलाने के लिए। क्या कहेंगे पेट्रोल की वृद्धि को लेकर? पेट्रोल की वृद्धि के बारे में हम सरकार से मांग करेंगे जीएसटी में लगाया जाए और एक रेट रखा जाए, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार एक ही जो है वसूला जाए, जीएसटी कम हो जाएगा। जीएसटी अगर एक जगह हो जाएगा तो एक ही रेट होगा। यहाँ महंगाई लग रही है आपको? हाँ, बहुत महंगाई लग रही है, सरकार इतनी महंगाई कर दी है। आप लोग सिंचाई कैसे करते हैं? सिंचाई तो करना ही पड़ता है ना, अभी डीजल महंगा है। हाँ, डीजल महंगा है, 100 रुपया महंगा हो गया है। पेट्रोल भी हो गया है 100 के बाहर, कम होना चाहिए, कम तो होना ही चाहिए ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि लोगों का साफ तौर पे कहना है, चाहे वो किसान हो चाहे आम जनता हो, सभी का साफ तौर पे कहना है कि पेट्रोल के जो दाम वृद्धि हुए हैं उसमें घटौती होनी चाहिए, जीएसटी का सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। और भी लोग हैं, क्या नाम होता है आपका? मनोज कुमार यादव। पेट्रोल आपने डलवा, क्या महंगाई लग रही है? महंगाई तो साहब बहुत लग रही है, क्योंकि मैं डेली 2 लीटर 3 लीटर पेट्रोल पर डे जलाता हूँ, मैं बैडमिंटन प्रैक्टिस करता हूँ। अब जब पेट्रोल 60 रुपए 50 रुपए था तब हमारा एवरेज कुछ और आता था, आज 100 कुछ रुपए पेट्रोल हो गया, 101 रुपए। अब हम किस हिसाब से फील्ड में काम करें, किस हिसाब से गाड़ी चलाएं, साइकिल से तो फील्डिंग किया नहीं जा सकता है। तो ये सरकार इतनी अच्छी है कि एक तो रात में सारा दिन मैं फील्ड में रहता हूँ और रात में जानवरों के साथ फील्डिंग करना पड़ता है, ये सरकार की उपलब्धियां हैं। रखना पड़ रहा है बिल्कुल सर, अगर एक दिन चूक जाए तो सारे सांड और जानवर पूरे फसल को नष्ट कर देंगे। पेट्रोल में वृद्धि है, बहुत ज्यादा वृद्धि है सर। पेट्रोल इसी तरीके अगर बढ़ते क्रम में चलता रहेगा इसका दाम, तो आने वाला वो दिन दूर नहीं जब हम साइकिल से फील्ड ना करें। क्या नाम पड़ता है? मनोज कुमार यादव। तो यहाँ पे आपने देखा कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल का दाम जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, उससे काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि पेट्रोल के दाम में घटौती कब होती है। विनय मिश्रा, सारना न्यूज, अयोध्या।